नमस्कार। कुछ बातें आपको रट्टा मार लेनी है, मतलब यूं कहें कि कुछ बातें अपने दिमाग में और दिल में बैठा लेनी। इन बातों को आप समझ लो कि ये पत्थर की लकीर हैं, इनको तोड़ना नहीं है, इस लकीर को क्रॉस नहीं करना, कुछ ऐसी बातें हैं और वो लाइफ आपकी लाइफ के लिए बहुत काम है। छोटी बातें लेकिन आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं। इसको कभी भी किसी भी कंडीशन में आप भूलना मत, यह आपके बहुत काम आएगी। नंबर वन, भगवान में विश्वास रखना और प्रार्थना करना कभी मत भूलना। बहुत से लोग कहते हैं सर कि भगवान में क्या विश्वास करते हैं, जो करना है जो अपन को करना है, जो करना है ये करना। एक बात ध्यान रखना, पूरे विश्व में सिर्फ 5% लोग ऐसे हैं जो नास्तिक हैं, 95% लोग आस्तिक हैं। तो क्या वो सब मूर्ख हैं जो भगवान में विश्वास करते हैं? भगवान में विश्वास करने से आपके अंदर एक आंतरिक ऊर्जा पैदा होती है, एक आपको अंदर से एक कॉन्फिडेंस आता है और आप हर समय पॉजिटिव रहते हैं। और कुछ भी कार्य करें, नया नया करें, या कुछ भी रोज रेगुलर रूटीन का वर्क करें, प्रार्थना करता रहे, करते रहे, प्रे करते रहे भगवान। कहते हैं ना, प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति होती है और यही प्रार्थना एक दिन आपका सारा कार्य कर देती है और यही भगवान में विश्वास आपका आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। इसलिए भगवान में विश्वास रखें और प्रार्थना करते रहें भगवान से। अपने कर्ज और दुश्मन को कभी बड़ा ना होने दें। कर्ज, अगर आपने कहीं से भी लोन लिया है, कहीं पर भी उधार से पैसे लिए हैं, तो टाइम पर रीपेमेंट कर दें, उसे बड़ा ना होने दें। आप यह मत सोचे कि यार भविष्य मेरे पास पेमेंट आएगा और मैं इसे चुका दूंगा और ये कर दूंगा। भविष्य की योजना पर मत चले, अभी आप अभाव में जी ले, अभी आप अपने लाइफ स्टाइल में कटौती कर ले, लेकिन लोन का पेमेंट पूरा कर दे। क्योंकि कर्ज जब धीरे 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 बढ़ता है ना, तो एक टाइम ऐसा आता है वो पहाड़ बन जाता और वो पहाड़ आपके लिए बहुत बड़ा बन जाता और आप उसको कभी भी रिमूव नहीं कर सकते। और अपने दुश्मन को कभी बड़ा मत होने, अपने दुश्मन को कभी इग्नोर न करें, या तो दुश्मन को पराजित करें या दुश्मन से दोस्ती कर लें। वरना जिस दिन दुश्मन आपके सामने बड़ा हो गया ना, वो आपको मिट्टी में मिला देगा। अपनी गलती मानने में कभी हिचके नहीं। इंसान गलतियों का पुतला है, गलती होती है, लेकिन अहंकार में मत जीना कि नहीं, ये गलती तो मेरे नहीं है, मेरे से नहीं हुई। अरे यार, ये गलती तो उसकी वजह से हुई है, वो ऐसा नहीं करता तो ये गलती नहीं होती। अरे यार, किसी भी तरह से एक्सक्यूज अपने अंदर से नहीं लाए, गलती आपसे हुई तो एक्सेप्ट करें कि हाँ मुझसे गलती हुई। एक्सक्यूज ना करें, हिचकिचे नहीं, शर्म मत करें, अपने आपको अपमानित महसूस नहीं करें कि यार मैं गलती मानूंगा तो मेरा अपमान होगा, ऐसा कभी मत करें। अगर आप गलती स्वीकार करोगे ना, तो आपको कुछ न कुछ नया सीखने को मिलेगा और आप हमेशा आगे बढ़ते रहोगे। लेकिन जिस दिन आपने अपनी गलती नहीं मानी ना, उस दिन से आपका पतन शुरू। फोर्थ, बहुत जरूरी हो, बहुत ही नेसेसरी हो, तभी उधार लें। अपने मौज मस्ती के लिए, घूमने के लिए, यारों के साथ में पार्टी करने के लिए और अपने आलीशान लाइफ स्टाइल के लिए कभी भी उधार पैसे ना लें। बहुत ही जरूरी, बहुत ही नेसेसरी, अगर आपको रिक्वायरमेंट हो रही है यार इसके बिना काम नहीं चल रहा, तो उधार ले, तो लोन ले, वरना अपने स्टेटस मेंटेन करने के लिए, अपने घर में बहुत ही हाई फाई चीज़ें लगाने के लिए, अपने रहन सहन, अपनी लाइफ स्टाइल के लिए कभी उधार ना ले, कभी भी लोन ना ले। ये आपके बहुत भारी पड़ सकता है और ये आपके लिए इतना भारी पड़ेगा ना कि भविष्य में आपको बर्बाद कर देगा। फिफ्थ एंड लास्ट, ईमानदारी से मेहनत करते रहे। कहते हैं ना कि लोग मेहनत खूब करते हैं लेकिन सफल नहीं होते, लेकिन पता है वो आपको क्यों नहीं होते? वो ईमानदारी से, ऑनेस्टी से मेहनत नहीं करते। वो मेहनत करते हैं लोगों को दिखावे के लिए, वो मेहनत करते हैं बस दूसरों को शोबाजी करने के लिए। ऐसा ना करें, अपने रुचि का विषय लें और उसमें ईमानदारी से, 100% ईमानदारी, 100% श्योरिटी के साथ मेहनत करें, नहीं मैं सक्सेस होगा। जो इंसान ईमानदारी के साथ मेहनत करता है ना, वो आज नहीं तो कल जरूर आगे बढ़ता है।